गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. माई सेल्फ जफर अहमद. टूडे आई टीच इकोनॉमिक्स इन क्लास 12, चैप्टर नंबर 3, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. तो बेटा आज का मेरा टॉपिक है कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड. ओके बेटा, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया था वैल्यू एडेड मेथड का, और हमने वहां फार्मूला भी एक्सप्लेन किया था कि वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहले 5 फार्मूला यूज करते हैं. किसके लिए बेटा? जीडीपी एमपी फाइंड करने के लिए. एक बार फिर रिपीट करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहले हम जीडीपी एमपी फाइंड करते हैं 5 फार्मूले के अकॉर्डिंग. 5 फार्मूले होते हैं उसमें, उनमें से किसी एक फार्मूले का यूज करते हुए हम सबसे पहले जीडीपी एमपी फाइंड कर लेंगे. जैसे ही जीडीपी एमपी फाइंड होगा उसके बाद हम उसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे. ओके बेटा, तो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 2. बेटा एक्सरसाइज नंबर 2 में क्या कहा गया है? कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी आपको क्वेश्चन में एनडीपीएफसी निकालना है. ओके बेटा, क्वेश्चन में क्या दिया गया है? पार्टिकुलर्स रुपीज इन लाख. पार्ट नंबर 1 सब्सिडी कितना दिया बेटा? 40. सेल्स 800. डेप्रिसिएशन 30. एक्सपोर्ट 100. क्लोजिंग स्टॉक 20. ओपनिंग स्टॉक 50. इंटरमीडिएट परचेजेस 500. परचेजेस ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज 200. एंड लास्ट में इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 60. ये इतने आइटम दिए गए हैं. इन आइटम में बेटा कुछ चीजें अननेसेसरी हैं, इनको पहले हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं. जैसे इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल. इंपोर्ट अगर दिया तो मैंने क्वेश्चन में कहा था बेटा कि अगर इंपोर्ट दिया है तो वो होता है वैल्यू ऑफ इनपुट. तो वैल्यू ऑफ इनपुट दिया, लेकिन हमारे क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है, इसलिए वो फार्मूला जीडीपी एमपी का जो आपने रिटर्न किया था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट. वैल्यू ऑफ आउटपुट ना होने की वजह से ये पार्ट नहीं लिया जाएगा. तो सबसे पहले हमें जीडीपी एमपी फाइंड करना है कौन से फार्मूले को यूज करते हुए. तो बेटा देखिए, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेल्स दिया गया है, तो फार्मूला सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये फार्मूला हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. बेटा सेल्स देखिए क्वेश्चन में कितना है. सेल्स की वैल्यू है 800 प्लस चेंज इन स्टॉक. चेंज स्टॉक नहीं दिया तो क्या करेंगे बेटा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 20. ओपनिंग स्टॉक कितना बेटा? 50. ये हमने 20 माइनस 50 कर दिया तो क्या आ गया बेटा? चेंज स्टॉक आ गया. अब क्या करेंगे? अब हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन पार्ट नंबर 7, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू कितनी है बेटा? 500. बाकी वैल्यू हम इसमें नहीं लेंगे. कौन सी वैल्यू? परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ओन यूज. ये आपका इंटरमीडिएट परचेज एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है, इसलिए वैल्यू नहीं ली जाएगी. और जो ये यहाँ पर इम्पोर्ट दिया है, इम्पोर्ट मतलब इनपुट्स, लेकिन क्वेश्चन में आउटपुट्स नहीं दिया है, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है, इसलिए ये भी वैल्यू नहीं ली जाएगी. तो चले बेटा इसको सॉल्व करें. आपका आ गया 800 माइनस 30 माइनस 500. तो अब आपका आंसर आ जाएगा बेटा 800 माइनस 530 कितना आ जाएगा बेटा? 270 लाख. जीडीपी एमपी फाइंड कर लिया बेटा. अब हमको क्या निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालना है एनडीपीएफसी. एनडीपीएफसी तो हम फार्मूला कन्वर्ट कर ले बेटा एनडीपीएफसी का. देखिए एनडीपीएफसी इक्वल टू जीडीपी एमपी. जीडीपी एमपी तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया है. अब इसको हम क्या करेंगे बेटा? कन्वर्जन फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करेंगे. तो कन्वर्जन में जी कन्वर्ट होगा, जी फॉर ग्रॉस, ग्रॉस कन्वर्ट टू नेट. क्या आएगा बेटा? माइनस डेप्रिसिएशन. क्लियर? डी फॉर डोमेस्टिक, डी फॉर डोमेस्टिक दैट इज सेम, देयर इज नो चेंज. और एमपी कन्वर्ट टू एफसी. एमपी अगर एफसी में कन्वर्ट होगा तो क्या आ जाएगा बेटा? माइनस एनआईटी. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जीडीपी एमपी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बेटा? 270. आपने पहले ये वैल्यू कितनी निकाली थी? 270 माइनस डेप्रिसिएशन. क्वेश्चन में देखिए वैल्यू बेटा डेप्रिसिएशन की कितनी है? 30. तो यहां आपने क्या लिख दिया बेटा? 30 माइनस एनआईटी.
एनआईटी का मतलब बताया था इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो क्वेश्चन में देखिए बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू नहीं दी गई है, जो वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी जाएगी उसको हम जीरो लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे? जीरो। तो एनआईटी मतलब आईटी, आईटी की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं है इसलिए हमने जीरो लेट कर लिया। माइनस सब्सिडी, सब्सिडी की वैल्यू क्वेश्चन में देखिए बेटा कितनी है, 40। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 270 माइनस 30 और ये माइनस माइनस प्लस 40, 270 प्लस 40 कितना आ गया बेटा 310, माइनस 30 तो कितना आ जाएगा बेटा 280 लाख। तो बेटा एनडीपीएफसी की वैल्यू फाइंड हो गई। तो पहले हमने क्या किया, जीडीपीएमपी फाइंड किया टेबल के अकॉर्डिंग और फिर उसको एनडीपीएफसी में कन्वर्ट कर लिया और फाइनल आंसर आ गया 280 लाख। ओके बेटा, नोट करें, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 आपको कराएंगे, नोट कर लीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को जरा आप पहले, सबसे पहले बेटा क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिए और ये देखिए कि टेबल के अकॉर्डिंग कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 जरा रीड करते हैं बेटा, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 2 में, कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन फाइंड करना है। अब टेबल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम जीडीपीएमपी फाइंड करेंगे और जीडीपीएमपी फाइंड करने के बाद तब उसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट भी दिया है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो आपको हमने सबसे पहले बेटा क्या कहा, जीडीपीएमपी फाइंड करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले फाइंड करेंगे बेटा जीडीपीएमपी, ठीक है ना बेटा। जीडीपीएमपी में सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 देखिए, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी यही मेन वैल्यू है, इसी से हम जीडीपीएमपी फाइंड करेंगे। एनडीपीएफसी इससे हम क्या करेंगे बेटा, फाइंड करेंगे। तो इसको न्यूमेरिकल के थ्रू, इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्जन के थ्रू फार्मूले को एक्सपेंड करेंगे। एन फॉर नेट, नेट कन्वर्ट टू क्या आएगा बेटा, ग्रॉस। क्या होगा नेट कन्वर्ट टू, ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन। ओके बेटा, डी फॉर डोमेस्टिक, डी फॉर डोमेस्टिक दैट इज सेम, देयर इज नो चेंज। एफसी कन्वर्ट टू एफसी एमपी, एफसी को हमें क्या करना बेटा, एमपी में कन्वर्ट करना है। क्या आएगा बेटा, प्लस एनआईटी। ओके बेटा, अब देखिए टेबल के अकॉर्डिंग एनडीपीएफसी कितना दिया बेटा, एनडीपीएफसी दिया 80 प्लस डेप्रिसिएशन कितना दिया बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता देखिए कितना दिया 20, तो मैंने यहां 20 रख दिया। प्लस एनआईटी, एनआईटी का मतलब होता है आईटी माइनस सब्सिडी। यहां टेबल में देखिए जीएसटी, जीएसटी का मतलब गुड एंड सर्विस टैक्स, जो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है ये, जीएसटी। आईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है। तो अब यहां पर एनआईटी का फॉर्मूला अप्लाई होगा आईटी, आईटी मीन्स जीएसटी। जीएसटी की वैल्यू कितनी दी बेटा, 50 माइनस सब्सिडी की वैल्यू कितना दिया है, 5। ओके बेटा, क्वेश्चन मैंने सारा वैल्यू पुट कर दिया। अब जरा फाइनल आंसर देखिए क्या आ गया बेटा, 80 प्लस 20 और ये प्लस 10, तो कितना आ जाएगा बेटा, 110 लाख। तो हमने सबसे पहले फाइंड कर लिया जीडीपीएमपी। अब क्वेश्चन में जो वैल्यू पूछी गई है उसका फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया बेटा, क्वेश्चन में पूछा गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या पूछा गया है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो आपका जीडीपीएमपी का फार्मूला होता है बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट, होता है बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये फार्मूला होता है बेटा। ओके, जीडीपीएमपी आपने सबसे पहले फाइंड कर लिया 110, यहां पर आप रिटर्न करेंगे बेटा 110 इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना बेटा 200, तो यहां पर आप क्या पुट करेंगे बेटा 200 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब सारी वैल्यू हमने पुट कर दिया, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमको क्या फाइंड करना है, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमको फाइंड करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो अब हम क्या करेंगे, फार्मूले का क्या करेंगे बेटा, फार्मूले का हम करेंगे, फार्मूले को इंटरचेंज करेंगे, फार्मूले को क्या करेंगे बेटा, फार्मूले को इंटरचेंज करेंगे। ओके,
तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को इधर कर दीजिए और 110 को उधर कर दीजिए, ये माइनस में है। जब इधर आएगा तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, इधर आएगा तो क्या आएगा, आईसी जब इधर आएगा तो, आईसी जब इधर आएगा तो क्या आएगा बेटा, प्लस में। आईसी इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, 200 माइनस 110, तो आईसी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 200 में 110 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 90। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना आ जाएगा बेटा, 90 लाख। तो इस तरह से ये दोनों न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया। दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद अब तीसरा न्यूमेरिकल हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, तीसरा न्यूमेरिकल होमवर्क के लिए दे रहे हैं, ओके बेटा। तो सबसे पहले ये दोनों फार्मूले का सोल्यूशन आप नोट करेंगे और तीसरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल में फाइंड करेंगे, ओके बेटा, थैंक यू। इतनी देर से तुमको बुला रहे हैं।